हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लव कटारिया की। तो आपको पता ही है कि कैसे लव कटारिया को बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में से अनफेयरली इविक्ट करा गया। तो उसके बाद से जो बहुत सारे उनके फैंस हैं वो लव कटारिया को ये कह रहे हैं कि आज जो बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले होने वाला है उसमें आप मत जाना, बिग बॉस वालों ने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत करा है, इसलिए आप उस ग्रैंड फिनाले में पैर तक मत रखना। पर दोस्तों, इस पे कटारिया का रिप्लाई आ गया। उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में ये कहा कि मैं उस प्लेटफॉर्म की इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं ग्रैंड फिनाले में जरूर जाऊंगा। और दोस्तों, कटारिया ने और भी बहुत सारी चीजों को रिवील करा इसके रिलेटेड। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। और कमेंट भी मैंने देखे, मैंने जो पोस्ट डाली थी कि भाई आपके साथ गलत हुआ, आप फिनाले पे मत जाना। यार तो देखो, मैं उस प्लेटफॉर्म की या शो है, बिल्कुल इज्जत है उसकी पूरी, तो वो इज्जत नहीं गिरानी। आपने जो बोला मुझे कि भाई आपके साथ ये हुआ, अनफेयर हुआ, चलो आपका ओपिनियन बढ़िया और मेरे को भी कहीं ना कहीं लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि फिनाले की इतना क्लोज आके। पर वही कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, हर चीज़ जो होती है अच्छे के लिए होती है। तो इसको एज अ सीख, एज एक्सपीरियंस लेके चलेंगे। बाकी भाई एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था तुम्हारे भाई का। और दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी 3 के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो दोस्तों रजत दलाल ने क्वेश्चन पूछा है बिग बॉस वालों से और उनका बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ चुका है बिग बॉस के रिलेटेड। तो रजत दलाल ने बिग बॉस वालों से क्या पूछा, जरा देखिए। भाई बिग बॉस के रिलेटेड ना एक चीज मेरे दिमाग में आई थी, मैं कह रहा था कि हाँ, क्या कह रहा था कि देखो, एक तरफ तो तुम्हें मसाला चाहिए कि कंटेंट निकले। कंटेंट निकलेगा तब जब दो इंसान चार इंसान आपस में लड़ेंगे, पर फिर तुमने इंटरनल वोटिंग कर दी। अब हर कोई इंटरनल वोटिंग में सेफ रहने के चक्कर में सबसे बनाएगा, अगर सबसे बनाएगा तो आपस में लड़ेगा नहीं। तो भाई तुम थोड़ा इस चीज के बारे में सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अपने मन का बंदा जिताना है, अब किसी को भी स्पा वगैरह में कोई भी कहीं से उठ के मतलब छोड़ो, या फिर बेंच मतलब डिजर्विंग लोगों को जिताना है। भाई किसी के बाप का लेके नहीं खा रहे हम जनता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं भाई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अदनान सीजन 7 की और एलविश यादव की। तो दोस्तों, अदनान ने और बाकी टिकटॉक कम्युनिटी वालों ने नेजी को बिग बॉस में सपोर्ट करने के लिए एक मीटअप प्लान करा था, जैसे एलविश यादव ने करा था कटारिया के लिए। तो उन्होंने भी ऐसे मीटअप प्लान करा था एक जिम में। पर दोस्तों, उस मीटअप में बहुत सारे एलविश यादव के फैंस आ जाते हैं और वो वहां आके अदनान को बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगते हैं, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं अदनान को कि तू तो कटारिया की औलाद है, तू तो एलविश की औलाद है, तेरी कोई औकात नहीं है एलविश के आगे, तू तो कटारिया का एल है, एलविश का एल है, ऐसा सब उल्टा सीधा बोलने लगते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अदनान भी उस वीडियो में रिप्लाई करते हुए नजर आए उन लोगों को, और क्या हुआ उस वीडियो में जरा देखिए। बाकी सिस्टम हैंग आने वाला है बहुत जल्द, दो चार दिन में सिस्टम हैंग करने वाले, अब उनका एकदम खतरनाक हैंग करने वाले सिस्टम। कटारिया को डसा की नहीं लग रहा है क्या? टक्कर में सीधा उतर जाएगा, टक्कर में कौन है भाई? वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वो? किसकी बात कर रहे भाई? किसकी बात कर रहे भाई? कोई नहीं लग रहा इधर, मुंबई वाले को कोई नहीं लग रहा है भाई। तो दोस्तों, अदनान की बात चल रही है तो अदनान ने प्रॉपर रिप्लाई दे दिया मुनावर फारूकी को। तो आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले इन दोनों के बीच में क्या लफड़ा हो गया था, जहां पे मुनावर ने पहले अदनान को गंदी गंदी गालियां दी थी क्योंकि अदनान बिग बॉस के घर से इतनी जल्दी बाहर आ गए थे। और मुनावर का ये कहना था, अगर तुम्हारे पीछे दम नहीं होता तो इतनी लंबी लंबी छोड़ा मत करो, इतनी हवाबाजी करा मत करो। तो दोस्तों, फाइनली अदनान का मुनावर की स्टेटमेंट पर रिप्लाई आ गया। उन्होंने एक प्रॉपर व्लॉग अपलोड करके मुनावर को रिप्लाई दिया, जरा देखिए। मुनावर से तो कुछ नहीं हुआ, उसने नहीं है गू हगने चला जू तो उसको बताने चाहते हैं कि अगर वो भी डोंगरी से है तो अपन भी धरावी से, बेटा गाली देने पे आएंगे ना तो कान से खून निकल आएगा। और उसका काम है कॉमेडी करना, देखो अभी वो चलती में चढ़ते रहता है, बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ाता है, पर एक बाउंड्री के अंदर मजाक उड़ाए तो समझ में आता है। वो बहुत सारे रिलीजियस बातों पे भी मजाक उड़ाता है, कोई भी रिलीजन को नहीं छोड़ता है,
और उसने इस्लाम का भी मजाक उड़ाया था, चार शादी। और तो दोस्तों इसी मीटअप के अंदर एजाज खान ने कटारी के ऊपर भी रिएक्ट करा था, तो क्या कहा एजाज खान ने जरा देखिए। हर चीज में बोलेगा कटारिया की तरह, क्या मतलब है रे, जिधर नहीं बोलने का उधर भी बोल रहे हैं। इन लोग से ना दांत से चने नहीं चबाए जा रहे और अखरोट तोड़ने जा रहे, तो इन लोग को जाने दो अपना नैसी बंटा। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट की। क्या फ्लाइंग बीस्ट को किसी बंदे ने एक्सपोज कर दिया उनकी पुरानी वीडियो की वजह से? तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, एक यूट्यूबर की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो वो करता क्या है, वो रेलवे ट्रैक पे जाता है और रेलवे ट्रैक पे अलग अलग सामान रखता है, कभी पत्थर रख देगा, कभी साइकिल रख देगा, कभी सिक्के रख देगा। और वो ये सब इसलिए करता है ताकि जब ट्रेन आए और वो रिकॉर्ड कर सके कि इन सामान के साथ जब क्या होगा जब ट्रेन इनके ऊपर से गुजरेगी। तो दोस्तों ये कितना डिस्गस्टिंग कंटेंट है, वो बस कुछ व्यूज के लिए दूसरों की जान खतरे में डाल रहा है। तो दोस्तों इस यूट्यूबर को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये यूट्यूबर नहीं आतंकवादी है जो अपने देश में खुला घूम रहा है, इसे तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये अपने कुछ व्यूज के चक्कर में, इसके कुछ व्यूज के चक्कर में हजारों लोगों की जान भी जा सकती है अगर ट्रेन पलट गई तो। तो दोस्तों होता ये है कि जो जर्नलिस्ट है मोहम्मद जुबैर, जिनका लफड़ा एलवी शादव के साथ भी हो चुका है, तो वो फ्लाइंग बीस्ट की 5 साल पुरानी वीडियो लोगों के सामने लाए और वो दिखाते हैं कि कैसे 5 साल पहले फ्लाइंग बीस्ट भी ऐसे कंटेंट बनाता था। और उस बंदे ने फ्लाइंग बीस्ट की कौन सी वीडियो शेयर करी थी मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस बंदे ने क्या कहा। पहले आप वीडियो देखिए। तो ये सिक्के हमारे पास कौन सा रखूं बता, ये रख देते हैं एक का और दो का, ठीक है देखना करो सही पटरी जोर से मेरे पिछवाड़े पे हॉर्न मारे, मेरी है दब जाएगा। हाँ दबाना तो चाहते हैं, अब ऐसा ना हो। नहीं 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 नहीं, तो ये रखा है हमने सिक्का और ये आ रही है ट्रेन। क्या चुंबक बन जाता है ना ट्रेन के नीचे रखने से, ऐसा बोलते हैं ना? नहीं बनता, नहीं बनता, चपड़ हो जाएगा, चपड़ हो जाएगा, चलेगा फिर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देखते हैं। इसी क्लिप को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर कहते हैं, इफ अ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर गौरव तनेजा डूइंग दिस थिंग फॉर व्यूज एंड रेवेन्यू जनरेशन एज ही हिमसेल्फ क्लेम्स, इफ दिस वाज डन शेयर्ड बाय अ मुस्लिम राइट विंग ट्रोल एंड वुड हैव टर्मिनेटेड दिस हैज अ रियल जिहादी टू टारगेट मोदी गवर्नमेंट। तो दोस्तों मोहम्मद जुबैर का बेसिकली यही कहना है, जो फ्लैंग बीस चेक कर रहा है रेलवे ट्रैक पे सामान रखना, अगर यही सेम हरकत किसी मुस्लिम ने करी होती और ऐसे वीडियो बना रहा होता तो लोग अब तक उसे आतंकवादी और रेल जिहादी घोषित कर चुके होते।